एक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कमर दर्द के घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, रात के समय में आपने 60 ग्राम गेहूं के दाने लेने हैं और उनको भिगो देना है। सुबह इन भीगे हुए गेहूं के दानों के साथ आपने खसखस लेनी है 30 ग्राम के करीब, और 30 ग्राम ही आपने धनिया की मिंगी लेनी है। धनिया जो होता है उसका जो दाना होता है उसको लेना है। इस चटनी को आपने दूध में पकाकर खीर बना लेनी है। इस खीर को आवश्यकता अनुसार आपने 1 सप्ताह या 2 सप्ताह खाना है। इससे आपके कमर में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा और आपकी ताकत बढ़ेगी, पाचन शक्ति की कमजोरी भी मिटती है। इससे केवल खसखस और मिश्री दोनों बराबर वजन लेकर कूट पीस कर चूर्ण बनाकर उसे 6 ग्राम लगभग 2 चम्मच के बराबर प्रतिदिन सुबह शाम खाने से, ऊपर से गर्म दूध पी लें, उससे भी आपकी कमर का दर्द चला जाता है। दूसरा सहायक उपचार के रूप में क्या कर सकते हैं आप, कमर दर्द में हमेशा तारपीन के तेल की मालिश करें, यह बहुत लाभदायक होती है। खाने में आपको क्या करना है, चावल, उड़द की दालें, मैदे की बनी हुई चीज़ें और तली हुई चीज़ों से परहेज करना है। हमेशा आप गर्म पानी पिएं। यदि ठंडा पानी पीना हो तो उबलते हुए पानी में 4 पत्ते तुलसी अथवा 1 बड़ी इलायची या 2 छोटी इलायची पीस कर डाल दें। फिर सुबह का उबला हुआ पानी शाम तक पिएं और शाम का सुबह तक पिएं। सुबह उठते ही आपने शौच जाने से पहले चाय नहीं पिएं, बल्कि गुनगुने पानी में शहद या ग्लूकोज मिलाकर पिएं। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और गठिया में नित्य प्रातः आप खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरियां या अच्छी तरह कर चबाकर खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है और इससे आपका खून भी शुद्ध होता है। ऐसा आप 1-2 सप्ताह खाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मेरे आने वाले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।